नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ला। क्या आपको एहसास है कि आप जो रोज़ाना दूध पीते हैं वो जहरीला हो सकता है? जी हाँ, उसमें यूरिया, डिटर्जेंट या अन्य हानिकारक केमिकल की मिलावट हो सकती है। क्या सिंथेटिक या मिलावटी दूध पीने से आपकी आंतें खराब हो सकती हैं? आपको दिल या किडनी के रोग हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। बात तो मध्य प्रदेश और यहाँ के मिलावटी दूध की है, लेकिन यह समस्या पूरे देश की है। वह इसलिए कि मध्य प्रदेश का सिंथेटिक या मिलावटी दूध दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा सहित देश के कई हिस्सों में भेजा जा रहा है। बहरहाल, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने इस मिलावट को रोकने के लिए सख्ती दिखाई है। वह मिलावटखोरों को रासुका के तहत जेल में भेज रही है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध शुरू किया है। मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध की इस मुहिम पर केंद्रित है इस बार की स्टेट बुक। ये दृश्य मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का है। मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती बैठकों में कह चुके हैं कि मुरैना में जितने पशु नहीं है उससे अधिक दूध उत्पादन होता है। हम आपको बताते हैं कि ये अधिक दूध उत्पादन कैसे होता है। ये दूध माल्टोज, ग्लूकोज, डालडा, रिफाइंड, आरएम केमिकल, कास्टिक सोडा, क्लोरोफॉर्म आदि मिलाकर बनाया जा रहा है। इसका खुलासा 1 अगस्त को हुई एसटीएफ की कार्रवाई में हुआ। सिंथेटिक दूध और मावा पनीर निर्माताओं तथा केमिकल विक्रेताओं के यहाँ निरंतर हो रही कार्रवाई के दौरान 2 करोड़ रुपए से अधिक के पाउडर, केमिकल, ऑयल आदि को प्रशासन द्वारा सीज किया गया। इस कार्रवाई के बाद 4 डेयरी संचालकों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भेज दिया गया है। दूध के रूप में धीमा जहर बेचने वाले लोग देखते ही देखते करोड़पति बन गए। ये लोग 750 रुपए की बाजार कीमत का सिंथेटिक दूध मात्र 100 रुपए में तैयार कर लेते हैं। इस दूध की सबसे ज्यादा खपत उत्तर प्रदेश के कासगंज में होती है। जब प्रशासन ने छापे मारे तो इन मिलावटखोरों के कारखाने में हजारों बैग माल्टोज, ग्लूकोज, डालडा, रिफाइंड, आरएम केमिकल, कास्टिक सोडा और क्लोरोफॉर्म मिला। इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आकी गई है। देखिए, जांच के दौरान हम लोग इनके पास कितना इनकम है या इन्होंने कितना प्रॉफिट किया वो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। अभी जो हम लोग टोटल क्रैकडाउन मुरैना में कर रहे हैं उसमें हम लोग सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग यूनिट्स हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का, क्या वो अगर वो गलत तरीके से केमिकल्स यूज़ करके अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके सैम्पल्स ले रहे हैं, उनके लाइसेंसेस कैंसिल कर रहे हैं, उन पर पेनल्टी कर रहे हैं। कल भी जो है 4.5 लाख की पेनल्टी की गई है, आज भी आदेश में 3-3.5 लाख की एक और पेनल्टी हो रही है। और अगर ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स पाए जाते हैं कि एक पे जो एक से अधिक बार सैम्पलिंग में इनके जो है सबस्टैंडर्ड या अडल्टरेटेड सैंपल्स टेस्ट में निकल के आते हैं तो इनके खिलाफ एनएसए भी की जाएगी। जैसे पिछले दिनों में जो कार्रवाई की गई है उनमें जो केमिकल और पाउडर वगैरह मिले हुए हैं उनमें जो सिंथेटिक दूध बनाते हैं उनमें क्या है, एक केमिकल होता है आरएम केमिकल, वो क्या है दूध में आरएम वैल्यू बढ़ाने के लिए काम आता है, और ग्लूकोज पाउडर है मिठास के लिए, और स्किम मिल्क पाउडर जो है एसएनए बढ़ाने के लिए, और रिफाइंड और वनस्पति का उपयोग उसमें फैट की वैल्यू बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है जिससे कि दूध जैसे उसमें गुण आ जाते हैं। मिलावट के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एसटीएफ दल ने एक चिलर संचालक देवेंद्र गुर्जर और उसके लैब टेक्नीशियन को जेल भेज दिया। अम्बा शहर में सोनू अग्रवाल के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। वहीं कैलारस में निर्मल सिंघल के यहाँ इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीते 3 वर्षों में हुई कार्रवाई का निर्णय अपर जिला दंडाधिकारी ने देते हुए 3 मिलावटी कारोबारियों पर 10.5 लाख रुपए का जुर्माना किया है। दूध मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस पे तेल बहुत भारी मात्रा में मिला हुआ है, 1400 लीटर करीब टिन जो है हमें मिले हुए हैं, स्किम्ड मिल्क पाउडर मिला हुआ है, तो कुछ चीज़ों पे काफ़ी संदेह हो रहा है। शैम्पू मिला हुआ है, अदर केमिकल्स मिला हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला हुआ है, तो
जहाँ तक हम लोग समझते हैं इसमें से बहुत सारे पदार्थ का कोई यूटिलिटी नहीं है किसी डेयरी यूनिट पे या चिलिंग यूनिट पे, लेकिन ये सब पाया गया है। कुछ संस्थान ऐसे भी मिले कि डर के मारे उन लोगों ने जो है बंद करके चले गए, फिर हम लोगों को अतिरिक्त कार्रवाई करके शटर तोड़ के जो है चीज़ों को सीज करना पड़ा। हमारे यहाँ पे 10 प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे कलेक्टर कार्यालय से, तो उन्हीं के आधार पर हमने 10 FIR किए हैं टोटल, जिसमें 5 अम्बा थाने से हैं, 2 कैलारस थाने से और 3 जौरा थाने से। तो इसमें हमने 420 IPC, 272, 273 IPC और खाद्य अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसमें सर कोई बीजेपी नेता है? नहीं, 10 FIR हैं, तो हमारे ऐसे संज्ञान में नहीं है कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ऐसा हमारी जानकारी में नहीं है, पर 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अगर आप समझ रहे हैं कि ये बात केवल मुरैना की है तो आप गलत हैं। भिंड के लहार इलाके में 2 अगस्त को छापा मारकर STF ने सिंथेटिक दूध और मावा बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों को सीज किया। गिरिराज चिलिंग सेंटर और गोपाल आइस फैक्ट्री पर कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में सिंथेटिक दूध और मावा समेत केमिकल और पाउडर भी मिले हैं। जुलाई 2019 को हमारे STF की टीम ने भिंड और मुरैना यहाँ पर छापे मार के बड़े पैमाने पर जो नकली दूध बनाने के कारखाने पकड़े गए, करीब 21 टैंकर पकड़े गए, 51 लोग हिरासत में लिए गए, और इसके जो पूरे के पूरे जो कर्ता धर्ता थे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, NSA कार्रवाई की गई और बड़े पैमाने पर दूध और दूध के पदार्थ को जब्त किया गया। तो ये कार्रवाई हमारे द्वारा की गई, जिसके पश्चात हमारे द्वारा जो इस संबंध में रिपोर्ट शासन को दी गई, उसके बाद शासन ने इसको पूरे प्रदेश में लागू कराया ताकि नकली दूध और नकली दूध के बने हुए पदार्थों और बाकी नकली मिलावटखोरी के जितने भी प्रकरण हैं उस प्रकाश में आ सकें, उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई कर सकें। तो पूरे प्रदेश में लगभग अब इस संबंध में कार्रवाई चल रही है जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। 2 अगस्त को ही उज्जैन में श्री कृष्ण उद्योग में छापामार कार्रवाई की गई, जिससे पता चला कि वहां मिलावटी घी बनाकर पैकिंग की जाती है। कलेक्टर शशांक मिश्रा ने कारखाना संचालक कीर्तिवर्धन केलकर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। क्या भिंड, क्या मुरैना, क्या उज्जैन, मिलावटी दूध पिलाकर मालामाल होने की यह हवस पूरे प्रदेश में फैल रही है। प्रदेश ही क्यों, यह तो पूरे देश में अपने पैर पसार रही है। कितना आसान है मात्र 100 रुपए में 750 रुपए की कीमत का दूध तैयार कर लेना। किसी की जान जाती हो तो जाए, मिलावटखोरों के हौसले बहुत बुलंद हैं। ये किसी सरकार से नहीं डरते। यही कारण है कि दूध बनाते मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों में भी आसानी से पहुंचा दिया जाता है। मुरैना से जो ये दूध है, ये कहाँ कहाँ ले जाते हैं, कहाँ कहाँ भेजते हैं चिलर सेंटर वाले? धौलपुर है, धौलपुर है, मालनपुर है, कोसी है, पलवल है, कासगंज है, तमाम फैक्ट्रियां हैं। तो ये इतना सारा दूध एक चिलर सेंटर पे कितना दूध गल जाता होगा? जैसे 500 लीटर आपने बनाया तो आप जैसे सैकड़ों लोग लगे होंगे। सैकड़ों लोग, करीब 400-500 लोग देने आते हैं। तो कितना, 6-7 लाख लीटर दूध बना के भेज देते होंगे? बिल्कुल। पुलिस प्रशासन के लोग कार्रवाई नहीं करते? भ्रष्ट प्रशासन बैठा है, भ्रष्ट बैठे है, सभी खा पी के दबा जाते हैं। दूध में किस बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है ये दिखाने के लिए ये कार्रवाइयाँ काफ़ी हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि भिंड, मुरैना अकेले इन 2 जिलों में 3 फैक्ट्रियों में रोज़ाना 2 लाख लीटर से अधिक सिंथेटिक दूध यानी नकली मिलावटी दूध बनाया जा रहा था? मगर हकीकत इतनी नहीं है। जब हमने पड़ताल की तो सच्चाई और भयावह निकली। मिलावट को लेकर समय समय पर जारी सरकार के आंकड़े हमें डराते हैं। देश में खाद्य पदार्थों की क्वालिटी और उसकी सुरक्षा को लेकर नजर रखने वाली संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने दूध की क्वालिटी के संबंध में अपनी अंतरिम रिपोर्ट में बताया है कि दूध और अन्य खाद्य सामग्रियों में कुल 13 तरह के पदार्थों की मिलावट की गई है, जिनमें से अधिकांशतः सेहत के लिए खतरनाक है। कुछ नमूनों में कीटनाशक और एंटीबायोटिक भी पाए गए हैं। बाजार में बिकने वाले ऐसे 68.7% उत्पाद FSSAI के मानक पर खरे नहीं उतरे हैं। यूरिया, स्टार्च, ग्लूकोज और फॉर्मोलिन जैसी चीजें मिलाकर दूध को गाढ़ा किया जाता है। खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाओं में जांच के दौरान बीते वर्षों में मिलावट
और गलत मार्का के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश से आए। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मिलावटी नमूने मिले हैं। ब्रेक के बाद देखिए मध्य प्रदेश में क्यों है खाद्य प्रयोगशालाओं की कमी। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 एकर ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड भोपाल, कॉल 9165025500। जब सरकारी आंकड़े इतनी बड़ी मात्रा में मिलावट की बात कर रहे थे तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार ने इस मिलावट को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए होंगे, मगर अफसोस जब हमने पड़ताल की तो पाया कि बीते 15 सालों के दौरान मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने मिलावट रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। ये भोपाल की स्टेट फूड लेबोरेटरी है। ये प्रदेश का एकमात्र लैब है जहाँ हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटी खाद्य पदार्थों की जाँच की जाती है। प्रदेश भर से आने वाले नमूनों की जांच के लिए यहां कम से कम 40 कर्मचारी और अफसरों की जरूरत है, मगर क्या आप यकीन करेंगे कि यहां सिर्फ 15 लोग ही काम कर रहे हैं। लेबोरेटरी में 3 फूड एनालिस्ट सहित 40 पद खाली है। इसी तरह भोपाल सहित प्रदेश में फूड इंस्पेक्टर के 275 पद स्वीकृत हैं, जबकि अभी 168 फूड इंस्पेक्टर ही काम पर है। स्टेट फूड लेबोरेटरी में रोजाना 100 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जांच 25 से 30 सैंपल की ही हो पा रही है। फूड सैंपल की जांच रिपोर्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के तहत 14 दिन के भीतर जारी होनी चाहिए। नतीजा ये है कि मिलावटी सैंपल जांच के इंतजार में पड़े रहते हैं और समय के साथ उनमें मिलावट को साबित करना मुश्किल हो जाता है। प्रदेश के आकार को देखते हुए यहाँ के प्रमुख 3 शहरों इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में फूड लैब की जरूरत है, मगर प्रदेश में 15 साल सत्तारूढ़ रही भाजपा सरकार इंदौर को फूड लैब नहीं दे सकी। इंदौर में फूड लैब का प्रोजेक्ट 2.5 साल से कागजों में दफन है। खाद्य प्रशासन विभाग के अफसरों ने इसके लिए कलेक्टर से तालावली चाना में 1 एकड़ जमीन तो ले ली, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब हमने इस संबंध में भाजपा के प्रवक्ता से बात की तो उनका जवाब ये था, लैब नहीं बना पाई, कोई जांच नहीं हो पाती है सैंपल्स की। तो बनाए ना, ऐसा बनाए ना, उनको किसी ने रोका थोड़ी है, उनको किसी ने नहीं रोका। अभी तक जो भी जांचें होती रही हैं वो भी लैब में होती रही हैं। उनको लगता है कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की जरूरत है तो वो करें सुविधाएं, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं है। ये मध्य प्रदेश सरकार मिलावट के खिलाफ अभियान चलाए ये अच्छी बात है, लेकिन इसका राजनीतिकरण करें और इतनी हल्की बयानबाजी मंत्रियों की तरफ से हो ये अच्छी बात नहीं है। जब प्रदेश में मिलावट की ऐसी तस्वीर मिली तो कमलनाथ सरकार ने मिलावट के खिलाफ शुरू किया शुद्ध के लिए युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाइयां कर उसने दिखा दिया कि ये युद्ध अभी लंबा चलेगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार 38 दिन में 45 मिलावटखोरों के खिलाफ FIR और 14 पर रासुका लगाई गई। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने 2 मावा व्यापारियों लोचन सिंह और मुश्ताक अली के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है। ये प्रयास ये रहा कि हर एरिया को और हर जगह को हम लोग कवर कर लें, ताकि ऐसा कहीं ना रहे कि हम लोगों ने नहीं देख पाए। इसलिए बहुत सारे सैंपल फर्स्ट स्टेज में लिए गए हैं और उसमें जो सैंपल फेल हुए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। जो लगातार फेल हुए हैं, एक प्रकरण में उसमें 2 लोगों के विरुद्ध रासुका भी लगाई गई है, और जो अवमानक पाए गए हैं उसमें जो एक्ट है उसके अंतर्गत भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, और एक में केमिकल मिला तो उनके विरुद्ध भी रासुका की कार्रवाई की गई। केमिकल्स और सिंथेटिक से दूध का बनना या इसी तरह से दूसरे प्रोडक्ट्स का तैयार करके मार्केट में बेचा जाना निश्चित तौर से आम जो उपभोक्ता है उसको बहुत परेशानी में डाल देता है, और इससे मध्य प्रदेश सरकार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर संजय कुमार जी से। सर नमस्कार,
ये जो जो जिस तरह से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मार्केट में आ जाते हैं, केमिकल से दूध बना के बेचा जाना, किस तरह से नुकसानदायक? देखिए, जो वैसे तो इससे दो तरह के नुकसान हैं। जैसे हम दूध की ही बात करें तो एक तो व्यक्ति जो दूध जिस वजह से पीना चाहता है, जो दूध की पौष्टिकता है, जो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वो उसको नहीं मिलती। जब सिंथेटिक रूप से दूध बनाया गया, जैसा सुनने में आ रहा है कि यूरिया से बनाते हैं या डिटर्जेंट्स को घोल के उसी को दूध के रूप में बेच देते हैं, तो उसका पौष्टिक आहार जो व्यक्ति को दूध का मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो उसमें ना विटामिन होते हैं, ना मिनरल्स होते हैं, तो उन सब की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब ये नहीं जानते कि एग्जैक्टली ये लोग क्या कौन सा डिटर्जेंट मिलाते हैं, पर इस तरह की चीज़ों का नुकसान होता है। एक तो इनमें बहुत से कोरोसिव चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हम कहते हैं कि एसिड या अल्कली, हाई स्ट्रॉन्ग एसिड या हाई स्ट्रॉन्ग अल्कली हो सकते हैं, तो ये हमारी इंटरनल लाइनिंग को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे फूड पाइप में, इसोफेगस में अल्सर्स हो सकते हैं, स्टमक की लाइनिंग इससे ख़राब हो सकती है, कोलाइटिस इससे हो सकता है। और यही प्रोडक्ट्स जब एब्जॉर्ब होकर अंदर खून में जाके मिलते हैं तो इनका किडनी पे दुष्प्रभाव हो सकता है। बहुत से पेशेंट्स को किडनी फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इन चीज़ों से होती है, कई तरह की दवाओं से होती है, तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि इनमें भी कई तरह के केमिकल्स हैं, तो इनसे भी होना चाहिए। इसी तरह मिलावट और चीज़ों में भी, दालों में या और अन्य खाद्य पदार्थों में भी की जाती है। तो मेनली प्रॉब्लम यही है कि एक तो जिस वजह से आप रोज़ दूध पी रहे हैं कि मुझे ताकत मिलेगी, वो नहीं मिलती, और इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इनमें हैवी मेटल्स हो सकते हैं, कोरोजिव एजेंट्स हो सकते हैं जो आपकी लाइनिंग को ख़राब कर लेते हैं। अगर क्रॉनिक यूज़ किया जाए कोरोजिव एजेंट्स का, तो धीरे धीरे आपकी फूड पाइप को सकरा कर सकते हैं, जिससे कि आगे खाना जाना बंद हो जाए। तो जैसा आपने कहा, ये तो बहुत ही गलत है और बहुत ही दंडनीय अपराध है। कैंसर, सर कैंसर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, फर्टिलाइजर्स का जो यूज हो रहा है या सब्जियों वगैरह में, ये किस तरह से? हाँ देखिए, बहुत से ऐसा है कि फलों को आर्टिफिशियल रूप से पका के कर लेते हैं या पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ करते हैं, तो इनसे इनमें बहुत से कार्सिनोजेंस डेवलप हो जाते हैं, तो कई तरह के कैंसर्स इनके कारण डेवलप हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो अब हर केमिकल को सिस्टमेटिक रूप से स्टडी करके ये देखना पड़ेगा कि किसका किस पर दुष्प्रभाव है, पर एक मोटे तौर पे हम ये तो कह ही सकते हैं कि ऐसा करने से, पेस्टिसाइड्स की मात्रा अधिक होने से या आर्टिफिशियल रूप से पकाने से कार्सिनोजेंस बढ़ते हैं, और बहुत से पेट के या यूरिनरी ब्लैडर के या लंग के कैंसर्स इन चीज़ों से हो सकते हैं। केवल फौरी कार्रवाइयों से मिलावट नहीं रुक जाने वाली, इसके लिए नियमों को सख्त बनाना होगा और अदालत में साबित हो सके ऐसे सबूत जुटाने के लिए प्रयोगशालाओं को उन्नत करना होगा। इंदौर में फूड लैब निर्माण के लिए कमलनाथ सरकार ने गंभीरता दिखाई है। इंदौर की लैब के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। इसके साथ ग्वालियर और जबलपुर में भी लैब बननी है। तीनों लैब के लिए 25 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। रिक्त पदों की भर्ती के लिए भी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ का एजेंडा है कि मध्य प्रदेश को मिलावट से मुक्ति मिलेगी, और स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट जी लगातार इस का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को मिलावट से मुक्त किया जा सके। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट जी से। ये जो अभियान है, इसके तहत अब तक क्या कार्रवाइयाँ हो गई? जानते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में 16 लोगों पर रासुका लगा दी, FIR कर दी, जिला बदर कर दिया, और ये कार्रवाई जब तक चलती रहेगी जब तक मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिलावट करने वाले मेरे मध्य प्रदेश नहीं छोड़ देते, क्योंकि सफ़ेद जहर के रूप में, दूध के रूप, पनीर के रूप में, मावे के रूप में, घी के रूप में, मैं मेरे मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा, मध्य प्रदेश की बुनियाद के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। ये सरकार जो पिछली सरकार में कमी थी वो निर्णय नहीं लेती थी, ये सरकार कमलनाथ जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये काम करती है। कानून में और क्या ऐसे संशोधन होने चाहिए ताकि कड़ी से कड़ी सजा और मिल सके? यूपी के अंदर IPC में 272-273 में वह आजीवन कारावास का प्रावधान है, और फर्स्ट एक्ट की बात कर रहा हूँ, एक्ट में संशोधन करना वो भी करूँगा, पर मिलावट करने वालों को कड़ी से कड़ी, जो दोषी पर कार्रवाई की जाए, निर्देश को कोई परेशान नहीं करेगा, ये भी अधिकारियों को निर्देश दे चुका हूँ। एक तरफ जांच, छापेमारी और नियमों को सख्त करने की तैयारी, तो दूसरी तरफ समाज में जागरूकता लाकर मिलावट रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।
यदि किसी व्यक्ति को प्रदेश में किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की जानकारी मिलती है तो वह इसकी सूचना 104 यानी कि 104 नंबर पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। कि बताने जो व्यक्ति बताएगा जिसके संज्ञान में है कि फला व्यक्ति मिलावट करता है खाद्य पदार्थों में, चाहे वो खाने की कोई भी चीज़ हो, तो उसमें बताने वाले को पहले 11,000 रुपये की घोषणा की थी, अब 25,000 की घोषणा कर दी है सरकार ने, और ये भी कहा है कि उसका नाम गुप्त रखा जाएगा जिससे कि किसी भी तरह की मिलावट को हम सहन नहीं करेंगे। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान छेड़ दिया है जिससे कि प्रदेश की जनता को जो जहर परस रहा था ये मिलावट माफिया, उस पर कड़ा प्रहार कर सके और मध्य प्रदेश को मिलावट मुक्त बना सके। इस ओर सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बेहद संवेदनशील है और युद्ध स्तर पर ये लड़ाई चल रही है। लोगों के खिलाफ और भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रासुका या FIR, ये कदम कितने कारगर साबित होंगे? देखिए बिल्कुल एक मिलावट खोरों में एक डर बैठना चाहिए, रासुका, जेल, सज़ा, कड़ी सज़ा, क्योंकि ये तो सीधे सीधे जहर बांट रहे हैं जनता को। आज हमारा 5 साल का 10 साल का बच्चा जो रोज़ दूध पीता है वो यूरिया पी रहा है दूध के रूप में, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? कैंसर का एक बहुत बड़ा वजह ये मिलावट खोरी है। तो निश्चित ही आदरणीय कमलनाथ जी ने जो कदम उठाए हैं, चाहे वो इनाम की घोषणा हो, चाहे कड़ी सज़ा की घोषणा हो, चाहे समाज को संवेदनशील करने का कदम उठाया है, वो बेहद महत्वपूर्ण कदम है और इसमें पूरे समाज को साथ खड़े रहना चाहिए सरकार के, और हमें मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठा के मध्य प्रदेश को मिलावट मुक्त बनाने में हर एक नागरिक को अपना भागीदारी निभानी चाहिए। मिलावट के खिलाफ सख्त हुई कमलनाथ सरकार के इरादों से प्रदेश के व्यापारी भी खुश हैं। वे चाहते हैं कि मिलावटखोर जेल में जाएं, मगर इच्छा है कि इससे निर्दोष व्यापारी परेशान भी ना हो। अगर फूड सेफ्टी एक्ट में देखा जाए तो 8 से ज़्यादा फैट के दूध को ही आप स्टैंडर्ड में ले रहे हैं, वो आज के समय की अगर हम गायों की हम अगर यहाँ पे निकाल के अगर फूड लेबोरेटरी में चेक करा लें तो वो स्टैंडर्ड भी आज के समय पे नहीं आ रहा है, तो ये कहाँ से संभव है? तो हम बस ये चाहते हैं कि सब स्टैंडर्ड को FIR और रसुका के तहत में नहीं लाया जाए, बाकी जो वास्तव में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने भी हमारे केट के माध्यम से पूरे देश के व्यापारियों से आह्वान किया है कि अगर कहीं भी आपको ऐसे मिलावटखोर जो देश के लिए इस मानव जाति के लिए हानिकारक है उनकी जानकारी हम स्वयं सरकार को प्रशासन को देंगे। अभी हम लोगों का 1.5 महीने से व्यापार अव्यवस्थित पड़ा हुआ है, लगभग बंद की कगार पे है और आगे पूरा त्योहारी सीजन है, तो शासन से यही निवेदन है कि इस तरफ ध्यान दें कि मावे में सब स्टैंडर्ड ही आता, बाकी कोई ऐसी मिलावटें या कोई सिंथेटिक वगैरह, मेरा जहाँ तक ध्यान है कि 15-20 साल में भोपाल में कोई सिंथेटिक केस नहीं पकड़ा गया। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने तय कर लिया है कि मिलावट खोर या तो मिलावट बंद कर दें या मिलावट करने के लिए जेल में जाएं। वो प्रदेश से देश के अन्य हिस्सों में भेजे जा रहे दूध और अन्य मिलावटी सामग्री को रोकने के लिए रासुका लगा रही है, अपने नियमों को सख्त करने जा रही है। अब बारी जनता की है, जनता जागरूक हो और मिलावट की शिकायत कर इस मिलावटखोरी के व्यापार को रोके। सेट बुक में आज इतना ही, हम अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ में। नमस्कार।